नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कैटेगरिकल डेटा का, जो एनालिसिस हम कैसे करें जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट को हम यूज करते हैं, जिसमें दोनों ही वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कैटेगरिकल है। तो इसमें जो है एक केस स्टडी है जिसमें 150 लॉयंस है जिन्हें हमने इंसेंटिव दिया फूड के फॉर्म में, और दूसरा तो था अफेक्शन, और फिर उनसे पूछा कि डांस के लिए ट्रेनिंग दी हमने कि वो डांस करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें 150 जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमारे लॉयन है, और उनका हमने देखा कि कुछ ने डांस किया, कुछ ने डांस हमारा इसका नहीं किया। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो डेटा है वो इसमें इंपोर्ट करेंगे फाइल, और डेटा में हमने जो देखा है, देखिए इसमें हमें कैटेगरी काई स्क्वायर टेस्ट का जो डेटा है वो इंपोर्ट करके इसको हमें रन करना है। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है इसमें दोनों ही तरह के जो वेरिएबल होते हैं, खासतौर से जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारे कैटेगरिकल हो रहते हैं। इनमें हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई इन दोनों में एसोसिएशन है या नहीं है, जो दोनों वेरिएबल हैं। तो ये लॉयन डांस का हमने एक डेटा ले लिया। अब सबसे पहले जो है हम इसका टेबल देखेंगे कि टेबल में जो क्रॉस टेबुलेशन है, क्रॉस टेबुलेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे हमें डेटा का नेचर पता चल जाएगा कि किस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पर है। तो देखिए एक इंसेंटिव है, दूसरा वेरिएबल जो है हमारा वो डांस है। तो ये हमने यहाँ पे माई डेटा टाइप किया और डॉलर साइन और डांस, ये कैटेगरिकल वेरिएबल है फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये टेबल आ गई कि टेबल क्या कह रही है कि जो अफेक्शन जिनको किया उसमें से 75 ने डांस नहीं किया, और केवल ये जो हमारे पास है 45 इन्होंने डांस किया, ठीक है ना। तो ये हम देख लें इसमें जो 45, और इसके अलावा जो है जिनको फूड दिया 10 ने नहीं किया, और जो बाकी की हमारे पास है 20 उन्होंने किया। मतलब तो परसेंटेज तो हमें दिख रहा है कि जिनको हमने फूड दिया उन्होंने ज़्यादा डांस किया। अब ये सिग्निफिकेंटली है या नहीं है ये हम प्रूव करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। तो ये जो है मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल और माई डेटा। इसके लिए हमें पहले ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ के थ्रू भी हम इसको अपने डेटा को शो करेंगे कि कैसा ये हमें ग्राफ के थ्रू डेटा दिख रहा है। तो ये हमने माई डेटा के साथ जो है हमने डॉलर साइन लेके डांस, और फिर हम इसका बार प्लॉट बनाएंगे। बार प्लॉट के थ्रू जो है हमें डेटा का जो नेचर है वो समझ में आ जाएगा कि डेटा हमारा किस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। ये हमने टी लिया, और जो मेन इसमें हमने हेडिंग भी दे दी मेन में, ये जो हेडिंग दे रहे हैं हम टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, दो तरीके के इंसेंटिव है, एक तो फूड है और दूसरा है अफेक्शन इंसेंटिव। ये हमने यहाँ पे कोई भी हम हेडिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसके लिए हमने मेन अपनी हेडिंग दे दी। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस पर हमें क्या लिखना है, वो हमें डांस का डेटा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डांस, यस और नो, दो तरीके से वो डेटा होगा। और वाई लैब में जो है फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि उनका जो नंबर्स है वो कितना है, ये हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम लोग चाहते हैं कि ये कलर भी दें, तो पहले तो हम ये बिसाइड, एक हमारे पास फंक्शन है इसको हमने ट्रू लिखा, और इसके बिसाइड का मतलब है कि ये हमारा दो बार बनकर आ जाएंगे आपस में बराबर में, है ना, जिससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। और ये जो है हमने सी कलर स्कीम इसमें 5 और 6 दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो आया ये हमारे पास आ गया कि इसमें से जो डांस जो नहीं कर रही हैं और जो डांस वाले हैं दोनों का डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको जो है इस ग्राफ को और भी हम सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों अट्रैक्टिव के लिए हम फिर से इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, और यहाँ पर जो है हम
इसी ग्राफ में एक नई चीज और ऐड कर देंगे जिसमें हमारे पास इनका नाम भी आ जाएगा, लेजेंड में जो है इक्वल टू लेजेंड इक्वल टू रो नेम, रो नेम ये आ गया, रो डॉट नेम्स, और ये हमारे पास जो है टी, जो टेबल है ये टी हमने यहां पर लिखा। ये देखिए इस तरीके से ये अफेक्शन और फोर्ड, तो ये हमें पता चला कि जिनको अफेक्शन किया था उनमें से ज्यादातर ने डांस नहीं किया, और जो जिनको हमने फूड दिया था, और फूड का अफेक्शन का ये जो है बेसिकली ये फूड वाला है जिसमें इन्होंने डांस किया, और इसमें फूड इनको दिया था लेकिन इन्होंने डांस नहीं किया। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है अपने डेटा को शो कर सकते हैं, और डेटा को शो करने के बाद जो है हम अपना जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया हमारा एक वेरिएबल के लिए। अब दूसरे जो है हमने इसका जो नाम दिया, दूसरे तरीके से भी हम ग्राफ को बनाना चाहते हैं, तो ये हमने इसको टेबल माई डेटा के साथ जो है इसमें हमने लिया पहले डांस, पहले इंसेंटिव लिया था, इस बार हम डांस लेके देखते हैं कि जो ग्राफ है वो कैसा आएगा। माई डेटा, और माई डेटा के साथ जो है इस बार हमने इंसेंटिव सेकंड नंबर पे लिया, और कलर भी इसमें हम देंगे, लेकिन पहले ये अभी हमने शॉर्ट में लिखा है। अब बार प्लॉट बनाते हैं इसका। बार प्लॉट में जो है यहाँ पे सबसे पहले हमें T1 लिखना है, और T1 टाइप करने के बाद एक्स एक्सिस पर हमें क्या देना है, नाम वो भी हम दे देते हैं। ये हमने इस बार जो है यहाँ पर इंसेंटिव दे दिया, इंसेंटिव। और इसके बाद जो है जो वाई लैब, मतलब ये जो है वाई एक्सिस के बारे में बता रहा है, तो इसमें हमने यहाँ पर सिंपली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी में है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। और इसके बाद जो है हम इसमें बिसाइड में जो है हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रू, ठीक है ना। और इसके बाद जो मैं रो नेम देना चाह रहा था लेजेंड के बाद जो है यहाँ पर जो हम देंगे इसका नाम देंगे इक्वल टू रो डॉट नेम्स, तो ये रो डॉट नेम्स आ गया, और ये जो डेटा था T1, तो यहाँ पर हमने T1 लिख दिया। इसके बाद जो है हमने कलर स्कीम इसमें थी COL कलर, कलर में हमने इसका ग्रीन और हमें ब्लू चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे सी और 3-4 हमने यहाँ पर लिख दिया 3-4। तो इस तरीके से जो है देखिए हमारे पास दूसरा ये ग्राफ बनकर आ गया। ये बिल्कुल ग्राफ के थ्रू हम अपने डेटा का नेचर को समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें लगाना है काई स्क्वायर टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट बड़ा सिंपल है, सीधा CHI हमें टाइप करना है, तो यहाँ पे देखिए CHI SQ आ गया काई स्क्वायर, और टी ये हमने यहाँ पर टी लिख दिया जो हमारा डेटा था। इसमें काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू आ रही है देखिए 0.05 से कम, इसका मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इसका, ठीक है ना। फूड का जिनको फूड देते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से डांस कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कैट्स, वो जो लॉयन है हमारे। ये देखिए अब ये जो है काई स्क्वायर, अब इसमें और भी चीज़ें हमें चाहिए। अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हम इसमें निकाल सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारे पास जो है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, और दूसरा जो हमारा T1 जो हमने बनाया था उसके हिसाब से भी हम लोग जो है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया एक्सपेक्टेड, तो इसका भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस तरीके से हम जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो हमें मालूम ही है, लेकिन हम चाहें तो एक बार और इसमें अपने फॉर्मूले के थ्रू जो है
निकाल सकते हैं टी, और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गया, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई इसमें 75-45, ये तो हमें मालूम ही था, डेटा में भी दिया है। दूसरा जो है काई स्क्वायर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, हम जो T1 जो है हमारा वेरिएबल उसके लिए हमने यहाँ पर निकाला। तो इस तरीके से हम जो है जो डिजायरेबल है हमें वो चीज़ें हम निकाल सकते हैं, जो जो चीज़ें हम अपने टेबल में देना चाहते हैं वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा देखिए ये आ गया, तो कहने का मतलब है अब इस डेटा को जो हमें रिपोर्ट करना है वो सिंपली रिपोर्ट हमें इतना करना है, ये देखिए, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड वेदर और नॉट लायन वुड डांस, बिकॉज ये 7.05 से कम है वैल्यू, इसलिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दिस सीम्स टू रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट लायन डांसिंग वर हायर इफ दे वर ट्रेंड विद फूड, ठीक है ना, तो फूड से जो है इनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।